मेरा नाम धनंजय शुक्ला है और मैं हरिद्वार से आया हूं। हम एसएससी जीडी 2018 के मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं। हम पिछले 8 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। आखिरकार हम युवा कहां जाएंगे साहब? 2018 में आपने भर्ती निकाली, 3 साल हो गया भर्ती को पूरा करने में। अरे 3 साल में ना जाने कितने लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, कितनों की शादी हो गई, और उन युवाओं को आपने बाहर कर दिया जो रिटर्न पास था, फिजिकल पास था, मेडिकल फिट था। आपने इन युवाओं को बाहर कर दिया। आखिरकार हम कहां जाएंगे साहब? हम चयनित बेरोजगार हो चुके हैं। चयनित इस देश की स्थिति आ चुकी है बेरोजगारी के मामले में कि हम लोग चयनित बेरोजगार हो चुके हैं। हम कहां जाएंगे? हमारे पास नौकरी नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? क्या इसी दिन के लिए हमने पढ़ाई लिखाई करी थी क्या? चलो साहब, हम अनपढ़ होते, आप हमें कहते हैं हम आपको बाहर करते, हम आपको नहीं लेंगे। अरे हम तो पढ़े लिखे युवा हैं भैया, हम तो तुम्हारे जो पात्रताएं थी सभी पात्रताओं पर खड़े उतरे, उसके बाद हमको बाहर कर दिया गया। किस परीक्षा में आपने पास? हम एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी सीएपीएफ का एग्जाम वो एसएससी कराता है। 2018 में इसके पद निकले थे, हमने उस एग्जाम को पास किया, उसका फिजिकल पास किया, उसका मेडिकल पास किया। अच्छा, उसके बाद जाकर हमको सड़कों पर दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया। हम कहाँ जाएंगे साहब? हम कहाँ जाएंगे? ये देखिए, मेरे साथ इतने सारे युवा हैं, ये हरियाणा के हैं, ये हमारे भाई साहब यूपी के हैं, अपने अपने अलग अलग स्टेट से। एक मिनट, सबसे बात करूंगा। तो आप जो है कि 2018 में पास, मतलब सब चीज पूरा कर दिया? पूरा कर दिए थे। रिजल्ट नहीं बना? 2021 में रिजल्ट बन गया। अच्छा। 21 जनवरी 2018 का वैकेंसी का 2021 में रिजल्ट आता है साहब। इस देश का सिस्टम इतना लाचार है। मैं तो कहना चाहता हूँ इस देश में इलेक्शन समय पर होता है, लेकिन सिलेक्शन युवाओं का सिलेक्शन समय पर नहीं होता है। चुनाव की तिथियां घोषित हो जाती हैं, चुनाव की पूरी तिथियां घोषित हो जाती हैं, लेकिन इस देश के अंदर क्या कहते हैं, परीक्षाओं की तिथियां घोषित नहीं हो पाती। तिथियां घोषित होती, एग्जाम हो जाए तो फिर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता तो फिर देखो हम लोगों की तरह ज्वाइनिंग नहीं। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए? हम झारखंड से सर। झारखंड से एसएससी जीडी फिट। महिला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने 2014 को चुनावी अभियान में ये वादा किया था कि 2 करोड़ जॉब देंगे। उन्होंने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। ये सारे वादों के बाद वो बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं। हमारे पास हमारे साथी जो एसएससी जीडी 2018 के आए हैं, वो सब चिंतित हैं, वो सब आंदोलित हैं। वो लोग 6-7 बार दिल्ली आ चुके हैं, उन्हें नौकरी नहीं दिया जाती है, उन्हें बदले मिलता लाठी डिटेंशन। इसीलिए उनके साथ हम इस बार प्यार से, इस बार हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई एजिटेशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्यार से यहाँ केक काट रहे हैं, जुमला दिवस मना रहे हैं कि मोदी जी आपको अपने 3 चुनावी वादे याद हैं कि नहीं। एक और चीज बताओ, सरकार बताती है, अभी यूपी सरकार ने बताया था कि जॉब की कोई कमी नहीं है। जॉब तो हम दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, क्या उनका कहना सही नहीं है? आप क्या लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल जुमला है, ये बिल्कुल मोदी जी से सीख कर योगी जी जुमला दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले 1.5-2 करोड़ जॉब दे दिया। जो जॉब मोदी जी पूरे देश में नहीं दे पाए, वो योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में दे डाले। अब मैं बताता हूँ वो जो पोस्टर निकला था उसका राज क्या है। वो अगर कोई आदमी टेम्पू खरीद लिया, अगर कोई आदमी ठेला खरीद लिया, अगर वो कौशल विकास योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, ये इसको जॉब मानते हैं। और आधे से ज्यादा भर्तियां जो पोस्टर में लिखे हैं, 4.5 लाख पक्की सरकारी भर्तियां, वो संविदा पर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वो है ही नहीं वहाँ। तो ये बिल्कुल मजाक है, एक भद्दा मजाक है युवाओं के साथ। युवा हल्ला बोल जो है कि एक राजनीतिक संगठन है या सिर्फ छात्रों का? युवा हल्ला बोल राजनीतिक है, बट किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है। वी आर अ नॉन पार्टीशन नेशनल मूवमेंट। हम एक आंदोलन है और आंदोलन के संगठन है। अभी यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, हंगामा हो रहा है? पुलिस को हमने कहा कि भैया 5-10 मिनट के लिए केक काटने दो, केक काट कर हम सब चले जाएंगे, जन्मदिन मनाकर केक काट कर हम सब चले जाएंगे। पुलिस ये भी नहीं मान रही है, पुलिस कह रही है केक भी नहीं काटने देंगे। सीपी में हजारों लोग रोज रात में आकर के, दिन में आकर के जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सीपी में आज हम केक नहीं काट सकते? क्यों? मोदी का जन्मदिन है तो हम केक नहीं काट सकते, हम जुमला दिवस नहीं मना सकते? ये चिंतनीय विषय। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी बड़े पद पे बैठे राजनीतिक आदमी का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो उस दिन जो है कि उनके खिलाफ जो भी आपके मन में द्वेष होता है उसको बुलाकर उनको बधाई दी जा रही है। हम उनको बधाई दे रहे हैं, जुमला दिवस मना रहे हैं ना, हम लोग बधाई दे रहे हैं। जुमला दिवस मनाने पर हम विवश हैं। विवश ये है कि बधाई तब देना जब हम खुश हों। देश का युवा अभी खुश नहीं है, देश का युवा हताश है, देश का युवा बेरोजगार है। ये पिछले 3-4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 7-8 बार दिल्ली में आके लाठी खा चुके हैं, तो ये बधाई कैसे देंगे? खुशी में बधाई निकलता है ना। अब ये देश का युवा खुश नहीं है, तो देश का युवा कम से कम प्यार से ये बता रहा है कि ये जो हाल है ये हाल क्या है।